तुम्हारे भाई ने मंगवा लिया, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, उन्होंने मेरे को भेजा, जेब से पैसे दिए उस बंदे को तब मंगवाया सामान। जैसे कि एक मेरी अलमारी, ये देखो मैंने खोल दी, और ऐसी ये ड्रीम अलमारी होपफुली आप सभी लोगों की भी। जैसे वो नीचे रखा हुआ ना, वो क्या है, वो ये रहा भाई, ये मेरी घड़ी पे पक्का डेफिनेटली आ जाएगा। देखते हैं भाई, एक मैंने पट्टा और मंगवाया था, मैंने दो तरीके के सेट्स मंगवाए थे, तो ये कुछ रबड़ केस है लंबे चौड़े तगड़े काम से, तो ये थी शायद भाई ऐसी निकल जाएगी, तो तुमने इतनी मेहनत करके पैक क्यों करी। और अच्छी बात क्या भाई, तुम्हारे भाई का अमेज़ॉन का सेलर प्लस बिजनेस दोनों के दोनों अकाउंट है मेरे पास में, तो मेरे पास ना फुल प्रिविलेज रहती है, मैं भाई GST वापस क्लेम कर सकता हूँ जो भी आदमी कुछ बेच रहा है, उससे फ़ायदा है यार थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ों का। पर हाँ भाई, तेल निकाल देती हैं ये सारी सेम चीज़ें जब आपको टैक्स भरना पड़ता है हर महीने। इसके अंदर अपना ना भाई एक वायरलेस माइक है, तो अपन वीडियो बनाते थे ना पहले, बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पर। बोलोगे 500 लाइक करोगे तो भाई गिव अवे भी निकाल दूंगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गेट इंस्टॉल स्टोर के बारे में। ये एक वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो, जिस पर आप अपनी कार की कोई भी एक्सेसरीज ऑनलाइन पा सकते हो। साथ ही देते हैं हम व्हाट्सएप सपोर्ट, तो आप डायरेक्टली भी कॉल करके या व्हाट्सएप की इंक्वायरी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी हमारे नए डले हुए प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंटरेस्ट हो, तो आप उसकी फोटोज़ हमें DM कर सकते हो, सो दैट हम आपको दे सके। ऑफिशियली गेट इंस्टॉल स्टोर का एक ही इंस्टाग्राम हैंडल है, जो कि आप सामने देख सकते हो। इस पर हम सारी नई एक्सेसरीज टाइमली बेसिस पे पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा भाई, अगर आप अपनी कोई भी गाड़ी नई परचेज करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो उसके फोटोज़ आप हमें DM कर सकते हो, भेज सकते हो विद डिटेल्स getinstall.cars पर या cars by getinstall पर। यह हमारा एक ही सिंगल पेज है जिसपे हम सारी कार्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और नए परचेज आपको शेयर करते रहते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आप अपने कार शेयर कर सकते हो हमको। नेक्स्ट बात करूंगा हमारा, अगर डेली DIY या कुछ भी नए कंटेंट के लिए अगर आप रेगुलर अपडेट में रहना चाहते हो, तो get_install हमारा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम हैंडल है। प्लस गेट इंस्टॉल स्टोर और गेट इंस्टॉल दोनों फेसबुक पे भी लिस्टेड है, वहां पर भी आप फॉलो कर लो, हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो अगर आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हो तो। बाकी करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू, आ जाओ। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, देख रहे गेट इंस्टॉल। भाई बहुत दिनों बाद मैं आज एक व्लॉग बना रहा हूँ फॉर्मली, और ये व्लॉग ना मतलब यहाँ वहाँ ऐसी वैसी किसी कार वार के ऊपर नहीं है भाई, मन करा बस कि आज बना देता है तुम्हारा भाई एक वीडियो। फॉर्मली बहुत हो गया, बहुत दिनों से आपसे अच्छे से बात भी नहीं करी है, और बहुत दिनों से अपने दिल की कोई बात कही भी नहीं, दिखाई भी नहीं है ना ये जगह दिखाई है, पता नहीं क्या क्या हमने कर लिया है ज़िंदगी में अपनी, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है भाई, अपना छोटा मोटा काम अपना जैसे वैसे चलता चलाते हैं, ये अपना छोटा सा PC है, इसकी वीडियोज़ वगैरह सारे अपने मेन चैनल पर शायद होपफुली देख लिए होंगे, तो इसी पे एडिटर भाई बैठते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, रील एडिट करते हैं। वैसे इस पे तो सिर्फ रील शॉर्ट वगैरह एडिट होते हैं, और वीडियो एडिटर वाले भाई अपने दूसरे हैं, वो करते हैं अपना हिसाब किताब, उनका अलग दे रखा है, वहीं करते अपने घर से ही। तो बाकी यही है भाई अपना, ये छोटा सा अपना गरीब घराना है, और आज सोचा कि आप लोगों को एक फॉर्मली व्लॉग दिखाता हूँ। भाई ये रहा, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं हम इसको, ये हमारा यूट्यूब का प्ले बटन, जब हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर करे तब हमें मिला था, और यहाँ छोटा मोटा काम है, 3 तमाड़ा फैला हुआ है, सामान फैला हुआ है सारा। ये अपना एक छोटा सा PC और है, मैंने बिल्ड किया था, आप लोगों को दिखाया भी था मेन चैनल पे या सेकंड चैनल पे डाल रखा है इसे। तो भाई अभी अपन क्या करते हैं ना, बहुत दिनों से मन था आप लोगों को ना दिखाऊँ कुछ नए परचेजेस। एनीवे अगर ऐसे परचेजेस की बात करूँ ना, तो ऐसे तो परचेजेस बहुत है मेरे पास में ना, अगर मैं यूँ बात करने लग जाऊँ तो ऐसे परचेजेस बहुत है, पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने खुद के लाइफ स्टाइल या रोज़ की चीज़ें या डेली यूज़ करने वाली चीज़ों में ऐड ऑन करिए। और इसी के साथ ही भाई, अगर आप इस वीडियो पे ना, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, आप इस वीडियो पे आप मेरे को दे दो 500 लाइक, ठीक है, और 500 लाइक दे दोगे ना, मैं एक गिव अवे निकालूंगा बढ़िया प्यारा सा, आप लोगों के लिए काम का ही होगा। क्योंकि क्या रहता है ना, पहले हम गिव अवे निकालते थे तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहता था कि किस बंदे के लिए क्या निकाला जाए या क्या हम गिव अवे में रख सकते हैं। तो जो भी अब रहेगा भाई अपनी तरफ से रहेगा, गेट इंस्टॉल स्टोर की तरफ से रहेगा। तो भाई बाकी आप हमारा सारा काम गूगल पे चेक करो, छोड़ो यहाँ वहाँ मत जाओ, गूगल पे ही चेक कर सकते हो। रिसेंटली तुम्हारे भाई ने बहुत सारे टूल मंगाए, पहले तो मैं भाई टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तुम्हारे भाई ने काफ़ी सारे टूल मंगवाए अपने, और तुम्हारा भाई जस्ट ना चाह रहा था कि कॉर्डलेस जाए हर चीज़ के अंदर, तो ये ना अपना सेट है, 10 पीस का सेट है ये सॉकेट्स का। तुम्हारे भाई ने मंगवाई एक कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है ये,
बैटरी ऑपरेटेड, तो यही ब्रांड के प्रोडक्ट मुझे बहुत सही लगे। तुम्हारे भाई ने मंगवा लिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, उन्होंने मेरे को भेजा, जेब से पैसे दिए उस बंदे को, तब मंगवाया सामान। बिकॉज हम ना आप लोगों के लिए जब DIY करने बैठते थे ना, तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हम बहुत से इश्यूज फेस करते थे, जैसे बिजली नहीं है, ये नहीं है, तो उसके लिए भी अपन बहुत सारी चीज़ों के सेटअप्स करने में लगे रहते थे। जैसे कि एक मेरी अलमारी, ये देखो मैंने खोल दी, और ऐसी ये ड्रीम अलमारी होपफुली आप सभी लोगों की भी, जैसे वो नीचे रखा हुआ ना, वो क्या है, वो तार है, तो हमें यहाँ से बाहर तक तार लेके जानी पड़ेगी, किसी की गाड़ी या हुड कुछ भी रैप करना है तो। बाकी ये अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, पेंट वेंट ये वो बहुत सामान है इसके अंदर यार, गाड़ी के टूल मेंटेनेंस और केयर से रिलेटेड भी। और इस गेट इंस्टॉल स्टोर पे अगर मैं ऐसे एक एक चीज़ निकाल के दिखाने लग जाऊँगा ना आपको, तो मैं थक जाऊँगा टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आपको वैसे देखना हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत है यार, उधर भी पड़े बहुत सामान पड़े, ऐसे मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट आप, आज का मेरा फोकस पता है किस चीज़ पे है, मेरा अमेजोन परचेज पे, क्या कह सकते हो, मेरे टूल। भाई तुम्हारे भाई ने टूल मंगवाए, ऐसी क्या बात है, ये रे कुछ टूल तुम्हारे भाई ने मंगवाए थे। कई प्रोजेक्ट करने में ना अपने को दिक्कत होती थी एंगल कटिंग ग्राइंडर की, तो मैंने ये मंगवाया ग्राइंडर, और इस ये सारा कुछ बैटरी ऑपरेटेड ही तामझाम मंगवाया मैंने। ये पहली बैटरी थी, ये दूसरी बैटरी थी, ये हैंडल था हैमर का, हैमर मशीन का, ये रहा, ये भी भाई कॉर्डलेस ही है, और ये रहा ये कुछ टूल। भाई देखो, मेरे लिए वो दिन बहुत अच्छा होता है जब मैं कुछ अनबॉक्स कर रहा होता हूँ, टूल दिखा रहा होता आप लोगों को, तो मुझे नहीं पता तुम लोग किस टाइप के हो, लेकिन अगर जो मुझे शुरू से देख रहा है, मेरे पुराने वीडियोस देख रहा है ना, वो जानता होगा कि आज मैं खुश हूँगा। काफ़ी दिन पहले आगे मैंने इन्हें चेक वेक कर लिया, सोचा आज आप लोगों को दिखाऊँ, कुछ काटा पिटी के लिए सबसे बेस्ट है। अभी अपन जब इन पे कुछ DIY आप सजेस्ट करो, क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हम आप लोगों को बना के दिखाएं, तो मज़ा आएगा कुछ ना कुछ। बाकी भाई इसके साथ में आए कुछ ड्रिल के सेट, एक ये सॉकेट स्पैनर के लिए है, बैटरीज वगैरह सारी वापस ही रख देता हूँ मैं हैंड टू हैंड। ये अपने कुछ वो थे पेंच वेंच सारे, उसका सेट है, ये बिट का सेट है, ये पूरा का पूरा बढ़िया है। बैटरी एक और थी, मतलब मेरे पास टोटल 3 बैटरी है, एक चार्जर है, होपफुली एक चार्जर और मंगवाऊँ मैं उस बंदे से। यार कह रहा था इनको का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये हूँ वो, मैंने कहा डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो ये रहा भाई अपना, इससे हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, पेंच खोलने बांधने से लेके एक एक काम अपने लगभग। तो फिलहाल के लिए फालतू की चीज़ है, इसको रख देता हूँ, ये तो मेरा एक छोटा सा परचेज़ है, लेकिन बड़े बड़े परचेजेज में ना आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ही। साथ ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं इन सामान को अच्छे से चेक चुक कर लूँ, आज इन डब्बों को खोल लूँ, इसको रखता हूँ साइड, इधर परचेजेस हैं मेरे सारे, और ये फ़िलहाल अपने पैकिंग के लिए टेप टू यहाँ रख दिए मैंने सारे, ये टेंट मैं अंदर रख देता हूँ, बहुत सारे सामान है भाई, मैं ऐसे नहीं गिन सकता उंगलियों पे इसे। तो एक मेरा अमेजोन का परचेज़ ये है, ये घरवारी की फिल्म है, किसी भाई ने भेजा है, उसका काम करना है। ये एक मेरा परचेज़ है, इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा, एक ये मैंने कुछ मंगवाया था, ये भी दिखाऊँगा, और एक ही रहा मेरा बड़ा सा अमेजोन का बक्सा, बाकी कुछ डब्बे ही रहे भाई। तो आज की वीडियो में ना हम ज़्यादा नहीं रखते भाई, आज की वीडियो में सिर्फ हम ये अनबॉक्स करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्या है इसके अंदर, ठीक है। आज के दिन अपनी छुट्टी भी रहती, तुम्हारे भाई ने सोचा कि कर ही देते आज काम, ये कुछ सारे कोरियर्स हैं जो या तो मैंने मंगवाए हैं या मेरे पास आए हैं किसी रीज़न से, नहीं ज़्यादातर किसी रीज़न वाले तो मैंने हटा दिए, और ये मेरे परचेजेस थे। आज इस वॉन्ट के आप लोगों के पास भी एक आइडिया लग जाए कि तुम्हारे भाई ने जब ज़्यादा होते तो दिखाने का मन करता है, कम होते पता नहीं ऐसी न जाने लाइफ में कितनी चीज़ें ले ली जिनका आपको आइडिया भी ना हो, शायद वो दिखाता तो हो सकता था आप लोगों की लाइफ में भी मैं कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर इतना सा भी फ़र्क पड़ता है किसी को मेरे वीडियोज़ देख के, तो भाई बहुत शुक्रिया, सोच कर लेना कि आपके लिए वो चीज़ सही है नहीं। चलो भाई एक एक करके अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ आइटम्स में क्या क्या अपने पास आज आपको दिखाने के लिए। पहले छोटे से चलेंगे भाई, फिर बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा ढूंढते हैं अभी अपने पास क्या है अनबॉक्स करने के लिए। मेरे हिसाब से ये है, सही आ रहा है ना, ठीक है। तो भाई ये था अमेजोन से ही मंगाए सारे कोरियर ने, देखता हूँ जिसको काटना होगा काट दूंगा, जिसको छीलना होगा छील दूंगा। तुम्हारे भाई के पास ना, मैंने ना आज से पीछे गूगल क्रोम कास्ट और अमेजोन फायर स्टिक दोनों ट्राई करें, तो मेरे को सबसे सही जो चीज़ लगी ना भाई वो थी अमेजोन की फायर स्टिक, और वो मेरे पास अभी एक नहीं दो है, किसी भी नॉर्मल टीवी को तुम 3 तबाही मचा सकते हो, तुम्हारे भाई के अमेजोन टीवी के रिमोट का वो है, ये कवर है बढ़िया
स्ट्रैप भी है इसके साथ में। मंगवाए सारे अमेजोन से भाई, लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लेना। ये कुछ OTG थी मेरे को ना, मतलब 1 TB का स्टोरेज है मेरे इस फ़ोन का जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी कई कई बार ऐसा रहता है, मतलब कुछ डाटा होता है वीडियो का रिकॉर्ड कर करके जो भर जाता है और मेरे काम का नहीं रहता, तो इसलिए अपने को उसे हटाना पड़ जाता है, ओके करना पड़ जाता है। तो दैट इज़ वाई आई डिसाइड के मैं ये OTG ले लेता हूँ। ये मैंने जब ऑर्डर करी थी, मैं निकल गया था दिल्ली से और ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक मैं दिल्ली से बाहर रहा हूँ, ये तब आई। पर अभी फ़िलहाल मैंने बाहर से ख़रीद ली थी। हाँ, इसकी और उसकी जो मैंने बाहर से भी खरीदी उसकी लगभग सेम ही क्वालिटी थी, बट ठीक है। अगर आपने कभी भी स्टोरेज एक्सपेंड करना है तो या तो आप ठीक है सीधी सीधी आई एक्सपेंड वगैरह आती है वो ले सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसमें कोई भी पेन ड्राइव लगाओ OTG से, आईफोन और ये वाली आईफोन की है, USB-C की भी आती है, तो डायरेक्ट आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। पेन ड्राइव है तो आप उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में वगैरह वगैरह 2-4 जगह कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो। तो ये रहे अपने 2 छोटे छोटे से कोरियर। दूसरा छोटा कोरियर ये रहा अपना, इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ होने वाला है मेरे हिसाब से। हाँ, हम बिल करते साइड। ये 2 कवर मंगवाए थे क्योंकि मेरे पास एक ऐसे वाला 4th या जो लेटेस्ट जनरेशन है उसका है, और दूसरा ये रहा, ये पुराना वाला जो अपना 5 स्टिक है, ये उसका रिमोट है, कवर है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। तो ये तो मेरे घर जाएंगे भाई सारे के सारे, और ये फ़िलहाल घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है छोटा सा गरीबों का। ये रहा ये रहा। तुम्हारे भाई के पास Series 3 है, तो मैंने एक कन्वर्जन किट मंगवाई थी, अब तो पता भी नहीं जितने दिन हो गए, रिटर्न भी होगी नहीं होगी अगर ये छोटी बड़ी निकल गई तो। लगता नहीं भाई ये इसके ऊपर चढ़ेगी, आई डोंट थिंक सो, बट एक बार फिर भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने 38mm के लिए ही मंगवाई थी। और ये घड़ी मेरी Apple Watch SE है, Series 3 कह लो, दोनों सेम ही है वो है, ये रही। और इसको कई साल हो गए यूज़ करते, देखते भाई प्लीज़ लग जा, प्लीज़ मेरा मेरी ए यार बड़ी आ गई, अभी रिटर्न भी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, किसी 42mm वाले को दे दूंगा या कभी और यूज़ कर लूँगा अपनी घड़ी, कभी अपग्रेड करूँगा तो। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छी बात है, मैं आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो आप एप्पल वॉच की, ये तो मेरी सबसे छोटी है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 38mm 40 के पट्टे आ जाते हैं। अगर आपके पास सीरीज़ 5 है और आपको मज़े लेने हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा के, तो सीरीज़ 5 पे एप्पल वॉच अल्ट्रा की किट लगा लो। अगर मेरे हिसाब से यार 75,000 रुपये खर्च करना किसी घड़ी में, 70,000 खर्च करना समझदारी नहीं है, अदरवाइज़ पुरानी घड़ी की तरफ जाओ और पैसे बचाने हैं तो, क्योंकि इन चीज़ों की डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। पुराना ढूंढो, मेहनत करो, मिल जाएगा अच्छा, ऐसी कोई बुराई नहीं है। फिलहाल इसे साइड करते ही मेरे, क्योंकि काम का नहीं है। तुआ तू भी आ, इसमें क्या है, इतने बिल किया है भाई किस लिए। हाँ ये रहा भाई, ये मेरी घड़ी पे पक्का डेफिनेटली आ जाएगा, देखते हैं भाई। एक मैंने पट्टा और मंगवाया था, मैंने 2 तरीके के सेट्स मंगवाए थे, तो ये कुछ तब देखेंगे। चल भाई, एक और सामान अनबॉक्स हो गया अपना, इसके बाद आते थोड़े से बड़े कोरियर की तरफ, हल्के से बड़े साइज का। ये रहा, इसकी पन्नी काट के जरा चेक कर ली जाए क्या है इसमें। पावर ऑफ मास्टर मिनी ड्रिल, ओके। ये इसकी इतनी मोटी कैटलॉग दे रखी है, और एक चार्जिंग केबल। काफ़ी बार क्या रहता है ना, हमारी कार में या कहीं पॉलिशिंग के लिए या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ना ज़रूरत पड़ती है, आप देखते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, चलाने में ओके है नहीं है, ऑन होएगी कहाँ से होएगी। आई थिंक यहीं से ऑन होनी चाहिए, ये यहाँ बटन है, कहाँ बटन, ये है बटन इसका, ये ना, हाँ हो गई भाई। अच्छा, इसकी स्पीड भी कंट्रोल हो सकती है, 2-3, ज़्यादा तेज़ चलने लायक नहीं है ये, हल्की हल्की घिसाई के लिए, पर हाँ भाई क्वालिटी अच्छी है। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बड़े टूल्स दिखाए, वैसे ये छोटे टूल्स भी अच्छे हैं। मेरा भाई देख लो, और ये छोटे छोटे इसके ऊपर अटैचमेंट है, फिटिंग्स है, प्लस इसकी छोटी छोटी फिटिंग्स और आई है अलग से लगने के लिए। तो इस फिटिंग में जैसे छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, छोटे छोटे अपने घिसाई के लिए रेगमाल के छोटे गट्टे हैं, ये कुछ अलग अटैचमेंट है। तो इसमें कई तरीके के अटैचमेंट आई हैं, डिफरेंट तरीके की साइजिंग की, डिफरेंट सेंडिंग ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं। किट बढ़िया थी, और रेट भी इसका शायद कितना था, ज़्यादा नहीं था, कम सा ही था, कम से पैसों में ही आई थी। ये आया था 200 या 300 कुछ का आया, नहीं 700 कुछ रुपये की आई होगी ये, पर किट बहुत बढ़िया थी ये, जब मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए थे अमेज़ोन पे। तुम्हारा भाई वेरीफाइड वो है,
रिव्यूवर, तो मैं लोगों को परचेजेस के बाद भी हेल्प कर देता हूँ कि तुम्हें ये प्रोडक्ट कैसा लगा, लेना चाहिए या नहीं। अगर करते हो भाई, किसी दूसरे की मदद करते रहा करो, सही रहता है, बढ़िया रहता है। तू भी, तू यहीं रखे, नहीं तुझे, तू यहीं रखते चल अभी तो। इसके बाद एक और ड्रिल सी मंगवाई थी मैंने अपने छोटे मोटे कामों के लिए, क्योंकि कभी सम टाइम क्या रहता है ना, कोई हमारा दोस्त यार गाड़ी ले आया, हमने किसी गाड़ी पे काम करना है, ठीक है, या हम कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा बाहर से कहीं से मंगवाई थी, कोई वेबसाइट थी, इन्होंने पैकिंग बिल्कुल बिल्कुल देसी मेरी तरह कर रखी है जैसे हम करते हैं ज़्यादातर। तो इसके अंदर भी एक ड्रिल टाइप मटेरियल ही है, और इसके अंदर क्या है, अच्छा ये कुरेदने के लिए कुछ है, ठीक है, ये बहुत सस्ता ही था, शायद 60 या 70 रुपए का आइटम था ये, तुम्हारे भाई ने इसे मंगा लिया। ब्लेड है इसके किनारे पे, तो आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ कर्व बनाना है तो वो बनाया जा सकता है, इससे एक अच्छा टूल बन सकता है, ऐसे खरोच भी सकते हो चीज़ को। बढ़िया आइटम था ये, 60-70 रुपए में अगर आप मोल्डिंग का या काम कर रहे हो फैब्रिकेशन जैसे, तो उसमें हेल्प होती है आपकी इस चीज़ को लेके। भाई ये गलत बात है, इस तरीके से बैक टू बैक फ़ोन नहीं करना चाहिए यार। तो रखते फ़िलहाल इधर की तरफ अंदर, और मेरे पास अभी भी ऑलरेडी दुनिया भर के काम है, मैंने जाना है कहीं लंबे छोड़े तगड़े काम से, तो ये थी शायद। भाई ऐसी निकल जाएगी तो तुमने इतनी मेहनत करके पैक क्यों करी, तुम हार गए, यहीं रह गए तुम, जिस भी कंपनी ने ये मेरे को भेजा है, मतलब भेजा गया, मैंने खुद ही मंगाया उनका देख के, और तो कुछ नहीं ना इसमें, कुछ लग तो रहा है जैसे कुछ भेजा इन्होंने ताम तमाड़ा, तो क्या है ये। कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। हाँ ये थी इंटरेस्टिंग चीज़, आप देखो भाई, ये छोटी सी एक ड्रिल है, और ये ड्रिल चलती है USB से, पावर बैंक से, चल बढ़िया जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है। फुल मेटल में ये लगाया मैंने इसे, चला के देखूँ। तो भाई अगर आप मुझे छोटे मोटे ड्रिलिंग के काम करने हो तो मैं पावर बैंक से भी कर सकता हूँ, क्या ये हकीकत है क्या? ओ शायद आई थिंक पावर बैंक में चार्जिंग नहीं है। हाँ चल गया भाई, चल गया। ये भी एक अच्छी ड्रिल है भाई, छोटे मोटे प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और इसे खोलो, इसके अंदर छोटी छोटी ड्रिलें दे रखी है, बिल्कुल पतली पतली, बारीक बारीक एकदम काम करने हो, मतलब मैंने बड़े तो आपको दिखाई दिए, छोटे कामों के लिए भी छोटी ड्रिल, कभी कभी होता है हमें बहुत बड़े छेद नहीं चाहिए, तो बस इतने चाहिए होते जितने में से तार वार निकल जाए मेरे प्रोजेक्ट कामों के लिए, और बिल्कुल ही माइनर माइनर छोटे छोटे छेदों के लिए बढ़िया है। चलो भाई जब इसे यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म में भी, कभी ना कभी किसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको, फिलहाल के लिए इतना ही। केबल वेबल सब हैवी है, और ये तो फुल मेटल बॉडी में है, मतलब प्लस वन मेरी तरफ से, जो भी ये कंपनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको करता हूँ मैं फिलहाल परे, अभी तुम्हारे भाई को और बतेरे काम है। अनबॉक्स तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इससे बड़ा भाई ये है अपने पास, कुछ है आया है इसके अंदर। अमेजोन भाई कागजों में देती है चीज़, अच्छी बात है उसकी है। अब जो आपने वो मेरे कटिंग ग्राइंडर देखे ना, उसी के ऊपर मैं पॉलिशिंग भी कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ दीज। तो इसके अंदर पॉलिशिंग के डिफरेंट पैड्स हैं, डिफरेंट पॉलिशर्स हैं, प्लस भाई तो मतलब मेरा कहने का ये है, मान लो किसी के फ़ोन पे स्क्रैच है, लैपटॉप पे स्क्रैच है, आपने करनी है साफ़ सफाई, गाड़ी या बाइक के ऊपर भी, कार के ऊपर भी आपको पॉलिशिंग करनी है, तो ये अलग अलग ग्रिड के पॉलिशिंग पैड्स है, इनकी डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। इसकी इंस्ट्रक्शन भी आई है सारी, यानी होगी तो वो मिलेगी ऑनलाइन, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं, जैसे किसी की थिकनेस बहुत मोटी है तो किसी की कम है, ये पॉलिशिंग के लिए, बफिंग के लिए, इसके अटैचमेंट में उस पर लगा सकता हूँ। तो एक तो ये हो गया अपना आइटम, बढ़िया चीज़ थी, सोचा तुम्हारे भाई ने कि ऑर्डर कर ही लेते हैं इसको, बहुत दिनों बाद कुछ दिल लगा के हमने ऑर्डर करा। फिलहाल करते हैं इसे भी साइड,
और हकीकत में मुझे नहीं पता किस आइटम के अंदर क्या था, ये इनका भी काम बता देता हूँ। सपोज़ आपने किसी आइटम को, किसी गाड़ी की हेडलाइट को पॉलिश करना है, बफ़ करना है, तो उसके लिए बेस्ट टूल्स हैं, जैसे कि एक ये है ग्रिड, एक ये है वहीं। हालांकि आपने किसी और चीज़ के ऊपर भी पॉलिशिंग का काम करना है, मेटल वेटल लोहे वोहे के ऊपर, तो हर तरीके की ग्रिड दे रखी है पॉलिशिंग के लिए। और ये छोटे हैं तो ईजी टू यूज़ है, मेंटेन्ड भी है। जितना बड़ा रहेगा भाई उतने ज़्यादा आप बड़े एरिया पे काम कर पाओगे, छोटा है तो छोटे पे। ये हो गया, अभी फ़िलहाल अपने पास बड़े बड़े बच रहे हैं सारे। ये रखा, ये रख देता हूँ सारे अंदर ही। और अच्छी बात क्या भाई, तुम्हारे भाई का अमेज़ॉन का सेलर प्लस बिजनेस दोनों के दोनों अकाउंट है मेरे पास में, तो मेरे पास ना फुल प्रिविलेज रहती है, मैं भाई GST वापस क्लेम कर सकता हूँ जो भी आदमी कुछ बेच रहा है उससे। फ़ायदा है यार थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ों का, पर हाँ भाई तेल निकाल देती हैं ये सारी सेम चीज़ें जब आपको टैक्स भरना पड़ता है हर महीने। अब देखते भाई आपके अंदर क्या है। जखाम, ये क्या मंगवाया मैंने यार। अच्छा आप हो गया भाई, तो ये एक छोटा सा ब्लोवर था, 550 या 700 रुपये का है। मैं तो भाई ज़्यादातर रेट अपने GST के हिसाब से देख लेता हूँ। इसके अंदर दो फंक्शंस और फीचर है, प्लस ये अनब्रेकेबल है, टूटेगा भी नहीं है, बढ़िया है। तो यही बोले कि भाई उन्होंने बेचा है, बाकी टूट जाए तो कह नहीं सकते। इसके अंदर शायद दो फीचर्स हैं, जिसके अंदर एक फीचर से हम ब्लोवर चला सकते हैं और एक से वैक्यूम कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो है, बट हाँ इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा देसी है। देखते हैं कितने दिन काम आएगा, मेरे को बहुत सारे ऐसे टास्क रहते हैं जिसके अंदर साफ सफाई मैटर करती है, और एक सही सा ब्लोवर चाहिए था, तो एक बार चला के देखूँ इसे। आ जाओ इसको भी यहीं देख ही लेते भाई, चला के बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको एंड टू एंड वीडियो में ही फीडबैक दे देता हूँ। ये हटाया हमने अपना RGB लाइटों का ये, और ये लगा दिया। थिंक ये निकलता भी यहाँ है, निकल जाता है अगर मुझे इसको ही ब्लोवर की तरह ही काम करवाना हो। ये उड़ा देगा, बहुत कुछ गिरा देगा भाई ये। अब ये तो हो गया अपना, अब फिलहाल एक ये कोरियर बच रहा है, इसको कभी और खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। एक ही कोरियर और बच रहा था अपने पास, इसको भी खोल लूँ क्या है इसमें। मुझे लग रहा है मेरे कुछ कोरियर्स ना पता नहीं रिसीव हुए नहीं है क्या है, मेरे को जहाँ तक मोटा मोटा याद है ना रिसीव तो हो चुके हैं, पर वो कहाँ रहे, कहाँ गए, किधर गए, मिल नहीं रहे यार, कहाँ नहीं है इनके साथ। डे एंड का भाई, अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने पास आखिरी ये कोरियर बचता है, तो इसको भी कर ले जरा अनबॉक्स। जो मैं ढूंढ रहा हूँ पता नहीं मेरे को इसमें भी मिले या ना मिले, बहुत महंगा कोरियर है ये। अच्छा हाँ यही तो मेन था, इसी के लिए तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। ये हो गया, कहाँ है ये रहा। इसके अंदर अपना ना भाई एक वायरलेस माइक है, तो अपन वीडियो बनाते थे ना पहले, बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पर, हमारा भाई ने यही ऑर्डर करा सीधा। माइक है वायरलेस माइक्रोफोन, और इसका काम है ये दो है, वायरलेस है दोनों के दोनों। इसके रिव्यू फीडबैक कैसे ये चलता है, काम कैसा है इसका, बढ़िया है नहीं है, सब मैं ऑलरेडी कर चुका चेक, बस अब फाइनल काम की बारी है इसको यूज़ करने की। और अच्छी बात क्या है, मैंने बहुत सारे माइक देखे, इतने माइक मैंने यूज़ कर लिए कैमराज वगैरह में भी। अब जैसे वीडियोज़ आईफोन से बनते हैं ना, तो बड़े माइक्स और बड़े ताम तमाड़े मुझे रखने की आदत नहीं है। ये माइक छोटा है, प्यारा है कितना स्लीक, आप ये देखो, इसे ऐसे निकालो यूज़ करो, सेंसिटिविटी भी इसकी कंट्रोल हो जाती है, जैसे मर्जी आप चाहो यहीं इसी केस में ये चार्ज हो जाता है। ज़्यादा महंगा नहीं है सबसे बड़ी बात है, और इसके साथ इसकी चार्जिंग केबल गूगल भी सब आती है। ये खुलेगा कैसे, मैं निकले, अच्छा ऐसे निकलेगा क्या। इसी के अंदर इसकी चार्जिंग केबल, कुशन पैड और इसका रखने का कवर, तो ये आ गया, इसे खोल लिया। मैं नहीं कह रहा कि ये
इसी ब्रांड का लो या इन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया है काम करने का, लेकिन भाई ठीक है, ये चीज़ बढ़िया है। तो तुम्हारे भाई ने सोचा कि तुम्हें दिखाना ज़रूर चाहिए, ये तो मैंने दिखा दिया। इसको कभी हम अपने वीडियोस आएंगे तब देखना, ये इसके दो, एक और एक ये दो ये पैड्स दे रखे हैं इसमें, इसे भी रख लेता हूँ। चार्जिंग केबल है तो इसे आज चार्ज करता हूँ, लेके जाऊँगा और इसका रिस्पॉन्स चेक करूँगा भाई कैसा है, फिर आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूँगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इसकी वीडियो इतनी भाई, होपफुली आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया, बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, जल्दी कटवाएंगे और अभी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वापस सेट कर रहे हैं। हाँ, अभी जो आप पीछे फैला रहा देख रहे हो भी कर देंगे, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज की वीडियो यहीं रखते हैं, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में। बस मेरे को घड़ी के लिए थोड़ा सा दुख हो रहा है, अगर वो सेट आ जाती ना उसमें, मतलब पट्टा भी नहीं है मेरे पास में जो मैं काली घड़ी के साथ, तो अभी फिलहाल के लिए यही ओके करते हैं, इसे लेके चलते हैं अपना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ नया। बोलोगे 500 लाइक करोगे तो भाई गिव अवे भी निकाल दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं यही भूल गया चैनल का इंट्रो कैसे देता था मैं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, देख रहे गेट इंस्टॉल। तो अरे यार मेरा नाम फोन नंबर लिख रहा है इस पर, जाओ इसको छुपा दूँ, पर्सनल वाला लिख रहा है ना यार। तो तू आ, तू भी आ, इसमें क्या है? भाई इतने बिल किया है भाई, किस लिए है? हाँ।